हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ एल्फ और ड्रैगन्स की कहानी देखेंगे जो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरी शैतान एल्फ का सामना करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी एक मैजिकल लैंड बयाला से शुरू होती है जहाँ एल्फ के कई सारे कबीलों के साथ साथ कुछ ड्रैगन्स भी रहते हैं। एल्फ ड्रैगन्स के अंडों की देखभाल करते हैं और हर साल ड्रैगन फीस्ट वाले दिन उन्हें उनके अंडे वापस कर देते हैं ताकि बेबी ड्रैगन सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देख सके। लेकिन फिर एक दिन शैडो एल्फ की क्वीन ओफीरा ने सभी अंडों को चुरा लिया और सन कबीले की प्रिंसेस सूरा को भी अपने साथ ले गई। ड्रैगन्स भी एक एक करके वहाँ से गायब हो गए और ओफीरा की बढ़ती ताकत ने बयाला के मैजिक को फेड कर दिया। इसी दौरान पता चलता है कि सूरा शैडो कैसल से भाग निकली है और ओफीरा अपने लोगों से उसे पकड़ने को बोलती है। सूरा की मदद तो शैडो एल्फ करते हैं जिनके नाम है जारो और नूरी, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी एक जगह कार्ड उन्हें घेर लेते हैं। तब सूरा अपना मैजिक यूज करने की सोचती है जिस पर उसने पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया है और इसी वजह से नूरी गार्ड्स के हाथों पकड़ी जाती है। जारो जबरदस्ती सूरा को वहाँ से भगा कर ले जाता है और ओफीरा कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जल्दी ही मैं बयाला पर कब्जा करने वाली हूँ। इधर सूरा और जारो सन कबीले में आते हैं और जारो उसे दोबारा मिलने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। यही हम सूरा की बहन फेया को देखते हैं जो अचानक उसके वापस आने से बहुत खुश होती है, लेकिन देखती है कि उसके विंग्स बिल्कुल शैडो क्लैन जैसे हैं। वो उसे समझाती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम हमेशा एक सन एल्फ ही रहोगी। आगे हम एक दूसरी एल्फ मार्विन को देखते हैं जो नहीं जानती कि उसके पेड़ के नीचे एक ड्रैगन का अंडा रखा हुआ है जिसमें अचानक से हलचल होने लगती है। उसकी आवाज उसके पेरेंट्स तक भी पहुंच जाती है जो बयाला से थोड़ी दूर एक ड्रैगन पीक में रहते हैं और पापा ड्रैगन अपने अंडे को चेक करने जाता है। यही सूरा भी अपने बट कुकू के साथ सैर पर निकली है और देखती है कि मैजिक के बिना उनके प्लांट्स मर रहे हैं। तभी वहाँ वो पापा ड्रैगन आता है और सूरा को यकीन नहीं होता कि ये जीव अभी भी जिंदा है। फिर ड्रैगन अपने मैजिक से कुछ फ्लावर्स को जिंदा कर देता है और सूरा को ये देखकर बहुत खुशी होती है। तभी उसे याद आता है कि आज उसकी बहन इला क्वीन बनने वाली है और वो तुरंत कुकू को लेकर पैलेस की ओर निकल जाती है। इधर मार्विन की नज़र उस अंडे पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये शायद कोई मैजिकल पत्थर है जिसे पाकर क्वीन इला को बहुत अच्छा लगेगा और वो भी उसे लेकर पैलेस की ओर जाने लगती है। आगे का सीन पैलेस का है जहाँ इला अपने राज तिलक के लिए तैयार हो रही है और उसे इस बात की चिंता है कि आखिर वो ये सब कैसे संभालेगी, क्योंकि एक तरफ तो ओफीरा की पावर बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ एल्फ के बाकी कबीलों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तभी सूरा और फेया आकर उसे ड्रैगन के बारे में बताती है, लेकिन इला को लगता है कि वो दोनों शायद उसे मजाक कर रही हैं। जल्दी ही सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है जहां शैडो क्लैन को छोड़कर बाकी सारे कबीले आए हैं और वो एक दूसरे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। फिर इला अपने क्राउन को एक्सेप्ट करती है और रिवाज के मुताबिक सूरा और फेया को कबीले के रॉयल चार्म्स पहनाती है। तभी वहां अचानक ढेर सारे रेवंस आ जाते हैं और सूरा बताती है कि ये सभी ओफीरा के रेवंस हैं और वो उनके थ्रू हमें देख सकती है। ओफीरा खुद को इनवाइट ना किए जाने से बहुत नाराज होती है और कहती है कि जल्द ही तुम्हें मुझे अपनी क्वीन मानना पड़ेगा। यही हम नूरी को भी देखते हैं जो असल में ओफीरा की ही भतीजी है और वो उसे शैडो क्लैन की अगली क्वीन बनाना चाहती है, लेकिन नूरी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं रेवेंस के कारण पैलेस में भगदड़ मच जाती है और वो अंडा मार्विन से छूटकर क्रैक हो जाता है। तभी हम जारो को वहाँ आते हुए देखते हैं जिसे देखकर सूरा को बहुत खुशी होती है, लेकिन बाकी एल्फ्स को उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब इला उन्हें बताती है कि इसी ने प्रिंसेस सूरा की जान बचाई थी और हमें इसे अपना फ्रेंड समझना चाहिए। इधर मार्विन फेया को बताती है कि उन रेवंस ने मेरे पत्थर को क्रैक कर दिया है, लेकिन तभी उसमें से एक बेबी ड्रैगन का पैर बाहर आता है और ये देखकर फेया उसे ढक देती है। फिर वो इला से होल को खाली कराने को बोलती है ताकि ड्रैगन वाली बात को सीक्रेट रख सके और यहाँ उन्हें पता चलता है कि मार्विन ड्रैगन्स की भाषा समझ सकती है। मार्विन उन्हें बताती है कि इस ड्रैगन का नाम नुगुर है और ये अपने अंडे से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो सब इसके लिए मना कर देते हैं और सूरा बताती है कि इसे पहले अपने पेरेंट्स को देखना होगा वरना इसका मैजिक ब्रेक हो जाएगा। तभी इला को एक आइडिया आता है और वो ड्रैगन फिश को दोबारा शुरू करने को कहती है ताकि ड्रैगन्स उनके किंगडम में दोबारा लौट आए, लेकिन फेया कहती है कि बिना सारे कबीलों के ये पॉसिबल नहीं हो सकता और शैडो क्लैन इसमें कभी हिस्सा नहीं लेगा।
तब सूरा उन्हें बताती है कि हमें ओफिरा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नूरी भी एक रॉयल प्रिंसेस है और उसके आने से भी काम हो जाएगा। फिर इला ड्रैगन फीस्ट के लिए एक दिन डिसाइड करती है और वो प्लान करते हैं कि सूरा और जारो नूरी को बचाने जाएंगे और फी और मार्विन नुगुर को उसके पेरेंट्स के पास ले जाएंगे, लेकिन साथ ही वो उन्हें वॉर्न भी करती है कि ओफिरा को इसका पता नहीं चलना चाहिए वरना वो नुगुर को हमसे छीनने की कोशिश करेगी। फिर हम उन्हें अपनी जर्नी पर जाते हुए देखते हैं और यहाँ इला बाकी कबीले वालों को मनाने में लग जाती है। सबसे पहले वो आइस कबीले से बात करती है जो आइस पिघलने से बहुत परेशान है और उन्हें बताती है कि ड्रैगन्स के साथ उनका मैजिक भी वापस आ जाएगा। फिर वो यही बात रेनबो किंग को भी समझाती है और वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सूरा और उसके फ्रेंड्स एक जगह कैंप लगाते हैं और पता चलता है कि ओफिरा भी रेवन के थ्रू ये सब देख रही है और सोचती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इस पर नूरी कहती है कि बाकी एल्फ तुम्हारी तरह बोरिंग बिल्कुल नहीं है और उन्हें मालूम है कि अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाता है। लेकिन ओफिरा को दाल में कुछ काला लगता है और वो अपने रेवंस को उन्हें चेक करने भेजती है। सूरा और उसके दोस्त उन्हें देखकर भागने लगते हैं और ओफिरा समझ जाती है कि वो लोग जरूर उससे कुछ छुपा रहे हैं। वो उन्हें पकड़ने के लिए अपनी स्टॉर्म पावर का यूज करती है और नूरी चाहकर भी उसे नहीं रोक पाती। जल्दी ही वो स्टॉर्म उन एल्फ तक पहुंच जाता है और क्योंकि सूरा खुद भी शैडो मैजिक सीख चुकी थी वो उसका यूज उस स्टॉर्म को रोकने में करती है और ओफिरा का सिर भी ये देखकर चकरा जाता है। फेयर सूरा के स्पेल को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और सूरा बताती है कि ये सब शैडो कैसल में रहने का नतीजा है। उसे लगता है कि ये मैजिक उसे भी शैतान बना रहा है और वो इससे छुटकारा पाना चाहती है। उधर इला फॉरेस्ट क्लैन को भी अपना साथ देने के लिए तैयार कर लेती है और वो सब ड्रैगन फीस्ट वाली जगह के लिए निकल पड़ते हैं। ओफिरा को भी फाइनली उनके प्लान का पता चल जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि बिना ड्रैगन वो इस फीस्ट को कैसे करने वाले हैं और वो अपने रेवन को सूरा पर नजर रखने को बोलती है। आगे हम सूरा और उसके दोस्तों को देखते हैं जिन्हें रास्ते में एक चमकता हुआ गड्ढा नजर आता है और उसमें से होते हुए वो एक फेमस मैजिशियन बिलारा के पास आ पहुँचते हैं जिसे काफी टाइम से किसी ने नहीं देखा था। वो उन्हें बताती है कि ड्रैगन के क्लोज रहने से उनका मैजिक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मार्विन का मैजिक है एनिमल से उसका बात कर पाना। तभी खेलते हुए नुगुर का शेल टूट जाता है और बिलारा तुरंत उसकी आंखों को ढकने को कहती है। फिया उससे बाकी ड्रैगन एक्स के बारे में पूछती है, लेकिन बिलारा कहती है कि ओफिरा बहुत ही चालाक लेडी है और कोई नहीं जानता कि उसने वो एक्स कहाँ छुपाए हैं। फिर वो सूरा को अपने साथ एक ब्लू स्टोन के पास ले जाती है और बताती है कि ये हमारे क्लैन का पवित्र पत्थर है जहाँ एल्फ खुद को डिस्कवर करने आते हैं। वो उसे अपनी पावर्स पर भरोसा रखने को कहती है और सिखाती है कि इस मैजिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सुबह वो उन सबको एक बोर्ड बनाकर देती है जिसके थ्रू वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही उन्हें अपने पेट यूनिकॉर्न से मिलवाती है जिसे देखकर वो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी हम ओफिरा के रेवन को देखते हैं जो नुगुर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्विन एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। बिलारा भी उनसे अलविदा लेती है और कहती है कि मैं कल तुम्हें फीस्ट वाली जगह मिलूंगी। इधर ओफिरा एक ड्रैगन को देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है कि मैं इस फीस्ट को नहीं होने दूंगी। सूरा और उसके दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक स्टॉर्म सीधा उन्हीं की ओर आ रहा है। नूरी भी ओफिरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम्हारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। फिया सूरा से अपनी पावर यूज करने को कहती है और सूरा भी ओफिरा के स्टॉर्म को रोकने में लग जाती है। इस पर ओफिरा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी पावर से मुझे ही हरा दोगी, और ये कहकर वो उस पर एक थंडर अटैक करती है। सूरा खुद को उससे नहीं बचा पाती और उनकी बोट भी टूटकर नष्ट हो जाती है। फिर जल्दी ही वो तूफान थम जाता है और हम देखते हैं कि ये सब एक बीच पर बेहोश पड़े हुए हैं। होश में आने पर पता चलता है कि वो सब तो शैडो क्लैन के इलाके में हैं और ओफिरा के रेवन उन पर नजर रखे हुए हैं। ओफिरा ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि अब उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इधर वो सब भी जानते हैं कि रेवन के होते वो एक साथ नहीं निकल सकते और तभी सूरा को एक आइडिया आता है। वो मार्विन से अकेले ही ड्रैगन पीक जाने को कहती है और बताती है कि हम यहाँ रहकर नूरी को आजाद कराएंगे। फिया और जारो को लगता है कि मार्विन तो बस एक छोटी बच्ची है और वो ये अकेले नहीं कर पाएगी, लेकिन मार्विन कहती है कि बिलारा ने उसे एक स्पेशल एल्फ बताया था क्योंकि वही है जो ड्रैगन से बात कर सकती है और वो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है।
तब सूरा कुकू को एक रेवन का रूप देती है और वो उसके पास एक फायर रोज छुपा देते हैं। फिर उनके इशारा करते ही कुकू वहां आग लगा देता है और इसका फायदा उठाकर मार्विन नुगुर को लेकर निकल जाती है और सूरा और उसके दोस्त छुप जाते हैं। ओफिरो को भी वहां कोई नजर नहीं आता और वो रेवन से सूरा को ढूंढने को कहती है। वो ये भी समझ जाती है कि सूरा यहाँ नूरी को छुड़ाने आई है ताकि ड्रैगन फीस्ट को कम्प्लीट कर सके। फिर वो अपने मैजिक से सूरा तक एक मैसेज भेजती है कि तुम ड्रैगन के बदले नूरी को छुड़ा सकती हो, और सूरा भी कुछ सोचकर इसके लिए तैयार हो जाती है। यहीं हम मार्विन को देखते हैं जो मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, और उधर बिलारा और बाकी एल्फ भी उनका वेट कर रहे हैं जिन्होंने फीस्ट की पूरी तैयारी कर ली है। इधर सूरा एक एग लेकर ओफिरा के पास आती है और कहती है कि हम यहाँ अपनी डील को पूरा करने आए हैं, लेकिन पता चलता है कि ओफिरा तो धोखे से उन्हें पकड़ना चाहती थी। सूरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये फीस्ट हमारे सबके भले के लिए है और तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन ओफिरा कहती है कि तुम लोग मैजिक के बिल्कुल लायक नहीं हो और मैं इस फीस्ट को पूरा नहीं होने दूंगी। वो सूरा से एग को अपने हवाले करने को कहती है, लेकिन देखती है कि उस एग में तो कुकू छुपा हुआ है। गुस्से में वो उन सबको वहाँ बने ड्रैगन पिलर से चिपका देती है और पूछती है कि आखिर वो बेबी ड्रैगन कहाँ छुपा हुआ है। तभी वो नोटिस करती है कि फिया की आंखें ड्रैगन पीक की ओर हैं और वो अपने रेवन से उसी ओर जाने को कहती है। इधर मार्विन फाइनली उस पीक तक पहुंच जाती है और अंदर उसे वो ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। नुगुर भी भागता हुआ अंदर आ जाता है और यहाँ वो पहली बार अपने पेरेंट्स को देखता है। ड्रैगन्स उसे पाकर बहुत खुश होते हैं और मार्विन का मिशन भी कम्प्लीट हो जाता है। तभी बाहर वो उन रेवन्स को आते हुए देखते हैं, लेकिन नुगुर अब उनसे कहाँ डरने वाला था और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उन्हें भगा देता है। उधर ओफिरा उन सबको जेल में डालने को बोलती है, लेकिन हम देखते हैं कि नूरी ने खुद को फ्री कर लिया है और वो ओफिरा से ये सब बंद करने को कहती है। उसके दोस्त भी कैद से फ्री हो जाते हैं और हम सूरा और ओफिरा को आपस में टकराते हुए देखते हैं। बाकी एल्फून गार्ड से लड़ने लगते हैं और जल्दी ही उन्हें चित कर देते हैं। तभी उनकी नजर आसमान में जाती है जहाँ सूरा और ओफिरा एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमा रही हैं। तब ओफिरा उसे रोकने के लिए अपनी थंडर पावर यूज करती है और सूरा बैलेंस खोकर नीचे जा गिरती है। उसकी फ्रेंड्स उसे चेक करने जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनके ब्रेसलेट अचानक से चमकने लगे हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब ड्रैगन के मैजिक का असर है और मार्विन ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। फिर सूरा एक बार फिर अपना मैजिक यूज करती है और वहाँ बने वो ड्रैगन स्टैचूज भी चमकने लगते हैं, जिससे निकली पावर सूरा का साथ देने लगती है। इस बार ओफिरा उसका मुकाबला नहीं कर पाती और एक स्मोक क्लाउड में बदलकर ब्लास्ट हो जाती है। इसकी शोक वेव फीस्ट वाली जगह भी आती है और इला को लगता है कि शायद उसकी बहनें मुसीबत में हैं। तभी वो मौसम को साफ होते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ओफिरा एक पत्थर में बदल गई है। तभी उन्हें स्टैचूज के अंदर रखे वो ड्रैगन एग्स दिखाई देते हैं और जारो बताता है कि फीस्ट का टाइम भी शुरू होने वाला है। वो लोग बोट्स लेकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं जहाँ नूगुर और उसकी फैमिली भी उनके साथ हैं। नूरी को शेडो क्लैन की नई क्वीन बना दिया जाता है और बाकी एल्फ भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो लोग उन ड्रैगन एग्स को लेकर आते हैं और बिलारा कहती है कि अब ये फीस्ट शुरू करने का वक्त है। एंड में हम उन सबको पार्टी करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।